अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 9। दिस इज सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड आई एम योर टीचर लालमीना। नाउ डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो क्या है, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड। पार्टिकल्स जब रैंडमली मिक्स होते हैं तो इस प्रोसीजर को या इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज एवोपरेशन, सेकंड सब्लिमेशन, थर्ड वन डिफ्यूजन एंड डी इज बॉइलिंग। अब फर्स्ट एवोपरेशन है जिसमें हमारे पास जो है वो लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। सेकंड वन हमारे पास जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है। सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की। जबकि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, टेम्परेचर होता है जिसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो और टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड हमारे पास है, विच स्टेटमेंट फॉर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज़ नॉट करेक्ट। अब इनमें से हमने वो करना है जिसमें जो करेक्ट नहीं है सॉलिड पार्टिकल्स के लिए। फर्स्ट वन, दे मूव एट अ ग्रेट स्पीड। सेकेंड, दे आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। ये हमारे पास सही है क्योंकि सॉलिड पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में होते हैं। सी हमारे पास है, दिस देयर इज अ वेरी लिटल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये भी बिल्कुल ठीक है। डी है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग। तो ये भी हमारे पास ठीक है। सो हमारे पास जो करेक्ट नहीं है दिस सॉलिड के लिए ये है, दे मूव एट अ ग्रेट स्पीड। सो ए ऑप्शन आपके पास है। थर्ड वन हमारे पास है, लिक्विड बॉयल्स व्हेन द प्रेशर इज बिकम इक्वल टू। अब हमारे पास लिक्विड कब बॉयल होता है, जब इसका प्रेशर किस चीज़ के इक्वल हो। फर्स्ट वन हमारे पास 760 सेंटीमीटर ऑफ HgM मर्करी। सेकंड हमारे पास 1 पास्कल। थर्ड वन 101.325 किलो पास्कल एंड सी डी हमारे पास है 0.1 एटमॉस्फेयर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 101.325 किलो पास्कल है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मिलीमीटर होना चाहिए था। 1 पास्कल ये भी गलत है, जबकि 0.1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी गलत है। उसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद। अब क्या चीज़ हम इंक्रीज़ करेंगे जिससे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। फर्स्ट वन, इंक्रीज़ ऑफ प्रेशर, इससे भी नहीं होगा। बी हमारे पास है, इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। सी है, इंक्रीज़ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। अगर ये इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ये भी गलत ऑप्शन है। और डी है, इंक्रीज़ ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम जो है पोलैरिटी इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन सही है, दैट इज़ इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। फाइव हमारे पास क्या है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इट इज़ पॉसिबल टू बॉयल एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। विच वेरिएबल वुड यू हैव बीन टू चेंज टू डू दिस। अब अगर हम जो है वाटर 100 पे बॉयल होता है, अगर उसको हम 50 पे लेकर आना चाहते हैं तो क्या चीज़ हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास इंक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर, अगर ये हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये गलत ऑप्शन है। बी हमारे पास क्या है, डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास बी, जबकि इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया एंड डी डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया इस पे जो है वो डिपेंड नहीं करता। सिक्स हमारे पास क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर डिपेंड्स अपॉन। फर्स्ट वन, अमाउंट ऑफ लिक्विड। बी हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। सी टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड डी बोथ बी एंड सी। अब हमारे पास वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, तो हमारे पास डी ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें दोनों सर्फेस एरिया और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सवाल हमारे पास सेवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। इसमें से हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन है और हमने उसको करना है जो कि अमॉर्फस नहीं है, मींस क्रिस्टलाइन है। तो फर्स्ट वन ए हमारे पास अमॉर्फस है। बी ग्लास, ये भी सही नहीं क्योंकि ये भी अमॉर्फस है। इसके अलावा डी प्लास्टिक, ये भी अमॉर्फस है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास क्रिस्टलाइन है। देन हमारे पास जो एट, एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। फ्रीजिंग पॉइंट में हमारे पास कौन से दो स्टेज जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन, गैस एंड सॉलिड। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है जिसमें हमारे पास जो है वो गैस एंड सॉलिड नहीं होता, ठीक है। इसी तरह जो है बी ऑप्शन है, लिक्विड एंड गैस नहीं, हमारे पास यहाँ पे लिक्विड एंड गैस भी को एग्जिस्ट नहीं करते। सी ऑप्शन है, लिक्विड एंड सॉलिड। तो फ्रीजिंग पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, लिक्विड क्योंकि सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट करते हैं। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन हमारे पास जो है वो नाइन, इंक स्प्रेड इन वाटर बिकॉज ऑफ। अब इंक जो वाटर में स्प्रेड होता है किस वजह से होता है। फर्स्ट वन, वेपर प्रेशर, इनकरेक्ट, इससे नहीं होता। बी हमारे पास एक्सपेंशन, ये भी इनकरेक्ट है। सी डिफ्यूजन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिफ्यूजन। डी भी हमारे पास रॉन्ग है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इस पर भी डिपेंड नहीं करता। नौ हमारे पास है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ अ गैस इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 2 एटमॉस्फेयर
इज इंक्रीज फ्रॉम 1.5 डेसीमीटर क्यूब टू 3 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम गिवन है और हमारे पास जो है प्रेशर गिवन है, हमने इनिशियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फार्मूला है बॉयज लॉ का, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब हम रीअरेंज करें क्योंकि हमने P1 फाइंड आउट करना है, तो हम P2V2 को डिवाइड बाय करेंगे V1 पे। वैल्यूज हम पुट करेंगे 2 × 5.1/3। तो जब 2 × 1.5 जो है इस पर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आता है। अब ऑप्शन में आप देखें आपके पास 1 है, तो हमारे पास जो है ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये 1 एटमॉस्फेयर है, जबकि बाकी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर ये वैल्यू नहीं आई, तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नाउ मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, मैं स्टेप वाइज आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगी, आपने वही स्टेप अपनी रफ कॉपी में फॉलो करने और सेम एज इट इज़ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट वन को हम रीड कर देते हैं। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस दैट इज चेंज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टू 14.3 डेसीमीटर क्यूब फ्रॉम 7.55 डेसीमीटर क्यूब एट 828 टॉर। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम गिवन है और हमने क्या फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम इस न्यूमेरिकल को स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, आपने जो है अपनी रफ कॉपी में मेरे साथ स्टेप वाइज जो है इसको सॉल्व करना है। सो हमारे पास जो है गिवन डेटा, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास जो है इनिशियल प्रेशर दैट इज P1 और वो कितना गिवन है हमारे पास 828 टॉर। इसी तरह हमारे पास जो है इनिशियल वॉल्यूम गिवन है V1 और दैट इज 7.55 डेसीमीटर क्यूब। देन हमारे पास है फाइनल वॉल्यूम V2 और वो है गिवन 14.3 डेसीमीटर क्यूब। रिक्वायर्ड डेटा क्या है, क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास क्या है, हमने जो है फाइनल प्रेशर दैट इज P2 फाइंड आउट करना है। नो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ हमारे पास है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब हम उसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, P2 फाइनल प्रेशर। सो हमारे पास P2V2 इज इक्वल टू P1V1। अब हमने जो है फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है, सो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम आके नेक्स्ट साइड पे डिवाइड होगा P1V1 डिवाइड बाय V2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज हम पुट करेंगे। सो P2 इज इक्वल टू P1 हमारे पास 828 टॉर है, मल्टीप्लाई हमारे पास जो V1 है दैट इज 7.55 डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय V2 जो कि 14.3 डेसीमीटर क्यूब है। अब डेसीमीटर क्यूब के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 828 को जब हम 7.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 625.1.4 टॉर का यूनिट आएगा डिवाइड बाय 14.3। अब 6251.4 को जब हम 14.3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी P2 दैट इज 437.16 टॉर। अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, फाइनल प्रेशर P2 इज इक्वल टू 437.16 टॉर। सो दैट इज द रिजल्ट।
और डियर स्टूडेंट, मैं आपको जो है वो सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो आपके नोट से जो है वो सॉल्व करके जो है वो दे रही हूँ। अब यहाँ पे एज इट इज़ जिस तरह मैंने फर्स्ट आपको जो है सॉल्व करके दिए, अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपनी रफ कॉपी में जो है प्रैक्टिस करनी है। सो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन को हम रीड आउट कर लेते हैं। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम एट 353 ऑफ अ 5.41 डेसीमीटर क्यूब सैम्पल ऑफ अ गैस Originally at 353 Kelvin, if the pressure of the doesn't change. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, गिवन क्या है कि इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास गिवन है वो क्या है, 5.41 डेसीमीटर क्यूब। अब इसी तरह हमारे पास जो है वो इनिशियल टम्परेचर T1 गिवन है और वो कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 353 Kelvin, ठीक है। देन फाइनल टम्परेचर हमारे पास क्या है, दैट इज़ 302 Kelvin। रिक्वायर्ड डेटा क्या है, फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमारे पास जो फार्मूला है V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। अब हमने फार्मूले को रीअरेंज करना है क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, V2 फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो V2 को हम जो इज इक्वल टू किस साइड पे लेकर आएंगे, देन हमारे पास V1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइड बाई T1। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। सो V1 हमारे पास 5.41 डेसीमीटर क्यूब है, सिमिलरली हमारे पास जो है T2 302 Kelvin है और इसी तरह हमारे पास जो T1 है दैट इज़ 353 Kelvin। Kelvin जो है वो Kelvin के साथ कट जाएगा। 5.41 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 302 तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 1633.82 डेसीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड करेंगे 353 पे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज़ 4.62 डेसीमीटर क्यूब। और हमारे पास अब रिजल्ट क्या है, फाइनल वॉल्यूम दैट इज़ 4.62 डेसीमीटर क्यूब। अब डियर स्टूडेंट, सेम एज इट इज़ ही आपने जो है वो बाकी जो न्यूमेरिकल है, 3 न्यूमेरिकल्स जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है, इसी फार्मूले से जिस तरह फर्स्ट फार्मूले में और ये सेकंड फार्मूला मैंने यूज़ किया, इसी तरह आपने खुद सॉल्व करना है। ये आपके जो है वो प्रैक्टिस है या आपका होमवर्क है, खुद आपने अपनी रफ कॉपी में जो है एज इट इज़ी जो है वो अपने इसी स्टेप्स को फॉलो करना है और उसको सॉल्व करना है। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 5 दैट इज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल। द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज हैव बीन सॉल्व और एक्सप्लेन इन योर नोट्स। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।